Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I hope all are doing good and doing well. Today I'm going to share with you all my birthday makeup look. Or let's get ready with me for my birthday. So without any further delay, let's quickly jump into the video. सबसे पहले मैं अपनी स्किन को थोड़ा हाइड्रेट कर लेती हूँ. ठंड हो रही है, हवा चल रही है एंड मेरे को जुकाम भी हो रहा है, तो मेरी स्किन ना काफी ज्यादा ड्राई हो गई है. मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ जॉनसन बेबी का एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है. स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है इसको लगा के, बेबी सॉफ्ट टाइप को स्किन एंड ना काफ़ी सूट कर रहा है मेरी स्किन को, ड्राई नहीं करता स्किन को बिल्कुल भी शाम तक एंड अच्छे से हाइड्रेट कर देता है. प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ इनसाइट का 3-in-1 प्राइमर. ये पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है, साथ ही साथ आपकी स्किन को ना हाइड्रेट भी करके रखता है, ड्राई नहीं बनाता है. फेस का जो भी पिगमेंटेड एरिया है उसके लिए मैं इनसाइड का कंसीलर यूज कर रही हूँ एंड आप देख सकते हो डार्क सर्कल मेरे बहुत ज्यादा हो गए हैं. फेस के अराउंड में काफी सारे पिगमेंटेशन हो गया है एंड जो भी पिंपल्स वगैरह के स्पॉट्स हैं उनको हाइड कर रही हूँ इसको ब्लेंड करने के लिए. जुकाम हो रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं है, मन भी नहीं कर रहा है, बट मैं मेकअप इसलिए कर रही हूँ थोड़ा सा ना माइंड चिल हो जाता है मेकअप से एंड थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी, खुद पैम्पर हो जाऊंगी मैं. वैसे लड़कियों का होता है मेकअप करके ना एकदम उनमें एनर्जी आ जाती है, मुझ में तो आ जाती है. आप लोग बताना आपको अच्छा लगता है या नहीं, एकदम से ना मूड स्विंग हो जाता है, हैप्पी मूड हो जाता है बहुत ज़्यादा. फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन इन द शेड 128 वॉर्म न्यूट. ये थोड़ा सा मैट फिनिश देता है, मैट हो जाता है एंड ऑक्सीडाइज भी हो जाता है. थोड़ा सा ही मैंने लिया है एक पंप एंड उसी से पूरे फेस को प्रोडक्ट तो यूज़ कर रहे हैं ना उसको पाम पे लेके बैक ऑफ द हैंड लेके उसको अच्छे से वॉर्म कीजिए जिससे वो अच्छे से ब्लेंड हो, वो मेल्ट होने लगता है एंड अच्छे से ब्लेंड होता है तब. ठीक, वहाँ पे भी कंसीलर लगाया है लूज पाउडर की हेल्प से उसे लॉक कर रही हूँ. आईब्रोज फिल इन कर रही हूँ इनसाइड की. मेरी बुशी आईब्रोज नहीं है बट मैं थोड़ा सा ना देने का ट्राई कर रही हूँ करने का, उनको ऊपर की साइड कॉम कर रही हूँ हेयर्स को. बुशी आईब्रोज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, अच्छी भी लगती हैं. देन मैं शुगर का ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, मॉबी पिंकिश प्यारा सा कलर है ये. एंड फेस काफ़ी ज़्यादा डल हो रहा है तो मैं थोड़ा सा ना सन किस्ड वाला लुक, मुझे लग रहा है इस साइड ज्यादा होगा, आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो गया बट थोड़ा सा ना फेड आउट हो जाएगा थोड़ी देर बाद. देन आईज के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की ये वाली पैलेट, स्मोकी आई पैलेट एंड इसमें से ये डार्क ब्राउन शेड लूंगी एंड जस्ट यहाँ पर लैश लाइन के जस्ट ऊपर ऊपर ना थोड़ा सा स्मच कर दूंगी. लैश लाइन के पास अप्लाई किया है ब्राउन कलर, उन्होंने इसको टैप टैप करके ब्राउन वाले उस पर अप्लाई कर दूंगी. देन आज मैं लाइनर यूज करूंगी, विंग लाइनर अप्लाई करूंगी, मन कर रहा है थोड़ा सा लगाने का एंड मैं कैमरे पर देख के अप्लाई नहीं कर पाऊंगी, लग जाए बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा टास्क है सेम लाइनर लगाना.
इधर तो लगा लिया है, लेट्स सी कि इस पे कैसा लगता है। सो लाइट चली गई थी एज यूजल, कुछ ना कुछ पंगा होना ही होता है। ये थोड़ा सा साई का थोड़ा सा बिगड़ गया है, पर मैं सही नहीं करने वाली, एंड वो दिख भी नहीं रहा है ज़्यादा, तो इसलिए वरना पूरा मैस हो जाएगा। इनसाइड का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, बट दे है थोड़ा तो ग्लो देना बनता है। बहुत ज़्यादा सटल सा ग्लो देता है, अच्छा लगता है। एंड प्लीज़ एंड इनर कॉर्नर्स पे मैं फिंगर से लगा रही हूँ, तो मेकअप को फिक्स कर रही हूँ मेकअप फिक्सर से। अब यूज़ कर लेते हैं, एंड आपको पता है मेरा फेवरेट मस्कारा है, मैं इसको यूज़ करूँगी, लग जाता है। इसीलिए मुझे बहुत पसंद है मसाबा बाय नायका इन दी शेड यू क्रॉक माय वर्ल्ड। ये थोड़ा सा अप्लाई करूंगी, दिस इज द बडी टॉप जो मैं पहनने वाली हूँ आज, सो मैं पहन के आती हूँ। को पेयर करूंगी मैं ब्लैक जीन्स के साथ, तो मैं ब्लैक के साथ थोड़ा सा चंकी कलर ऐड कर रही हूँ, सो इसलिए मैं पेयर करूंगी इस स्वेटर को। And this is my whole outfit. मैं शूज लेके आती हूँ।